बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं बना रही हूँ आलू मूंगरे की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने आलू लेके इस तरीके से काट लिए। ये मूंगरे जो हैं, ये मैंने तो काफ़ी दिन से बना के जो हैं वो फ्रिज में रखे हुए थे, इनकी बारी आ जाई है पकाने की। पकाने तो मैंने उसी दिन थे, लेकिन अंदर मेहमान आ गए तो फिर उसी हिसाब से खाना बनता रहा, तो ये बेचारे सब्जी खाने का मौका नहीं मिला। तो ये जो है, ये मेरे सब्ज़ मसाला है, इसमें मैंने टमाटर इस तरह काटा हुआ है, लहसुन अदरक और सब्ज मिर्च को मैंने इकट्ठा पीस लिया है एज़ यूजल। ये प्याज है, इसको जो है वो इस तरह कट कर लिया है। तो यहाँ मैंने जो है वो कढ़ाई रख ली है, तो इसमें जो है वो ऑयल ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऑयल कम है आप? कम नहीं, सही है। हाँ जी, इसको ना थोड़ा फ्लेम भी दिखा दो। फ्लेम चलाने के बगैर ही हांडी पक जाती है। आपकी पक भी सकती है। जितने मज़े से आप खाती, जितनी आग लगाती है, वैसे ही पक जानी। अच्छा, तो अभी इसमें जो है वो अनियन ऐड करेंगे। देखिए मेरी इंग्लिश, फिर प्याज अनियन ऐड करेंगे। अंग्रेज़ों ने कहना है, हूँ अंग्रेज़ों ने पता लग गया ना तेरे हाथ वक्त है, मैं अंग्रेजी बोलूँगी। हाँ जी, देखिए मैंने अनियन को कैसे तड़पाया इधर। अच्छा नहीं है तो ये ना तकरीबन दिन के जो हैं वो 11 बज रहे हैं। बच्चों को ना नहीं, आप भी 11:30। बकवास ना करया कर, मैंने तू क्या ना करया कर। अच्छा ना, ये ना दिन के 11 बज रहे हैं। पता क्या हुआ है, ये ना बच्चों को स्कूल भेजिए ना, मैं सो गई थी, सो के मैं उठी हूँ, तो मैंने सोचा चल मैं ना नाश्ता कर लेती हूँ। मैंने ना फ्रिज खोली, यकीन माने फ्रिज में कुछ नहीं था खाने। नहीं तो ना कुछ ना रात का बचा हुआ पड़ा रहता है, तो चलो बंदा कुछ गर्म करके खा लेता है, थोड़ा बहुत बच्चों के आने तक गुजारा कर लेता है, फिर लंच जो है वो बंदा बच्चों को साथ कर लेता है। तो फिर मैंने ना सब्र किया थोड़ा सा, और ये मैंने सोचा चलो मैं ना हांडी पका लेती हूँ टाइम से। तो मैंने जल्दी जल्दी जो है वो सब्ज़ी तैयार की है। ये ना सिस्टर ने मेरे साथ कोई काम नहीं करवाया, तो ये देखें मेरे ना हाथ पे भी कट लगा, और मैंने ना बड़ी मुश्किल से ये किया है, मिर्च लगी मेरे हाथ को। तो ये ना प्याज को ब्राउन होने तक जो है वो हम बनाएंगे इस तरह। हाँ जी, आपने भी शेयर करना है कि आप सब्जी कैसे बनाते हैं। अच्छा, आप ये मेरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बकवास ना कर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा अच्छा ना, आप बताएंगे अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठें नाश्ते के लिए और फ्रिज बिल्कुल आपकी खाली पड़ी हो, और जो है वो आप सोच आज के फिर आपको वो हांडी खुद बना के खानी पड़े। मेरे साथ तो आज ऐसा ही हुआ है। हाँ जी ना, ये प्याज जो है वो ब्राउन हो गया, इस टाइम पे आके जो है वो मैं अपने ये स्पाइसेस ऐड कर दूँगी इसमें, जो कि मैंने आपको दिखाए हैं। तो इसको थोड़ा सा भूनेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी जैसा कि हमेशा की तरह जो है वो मैं अपना चॉपर में डाल के इसमें डालती हूँ, क्योंकि उसमें ना मसाला लगा होता है, तो फिर मैं ना उस भी में डाल के इसमें पानी शामिल करती हूँ। ये जी, तो ना इस टाइम पे आके जो है वो बाकी के स्पाइसेस ऐड कर देंगे, नमक मिर्च
तो सिस्टर को मैंने थोड़ी सी शर्म दिलाई है, मैंने कहा जो हाथ पे कट लगा था तो इसके बावजूद मैं जो है वो कर रही हूँ काम, खुद कर रही हूँ, तुमने कुछ नहीं किया। तो वो शर्म खा के जल्दी जल्दी आटा गूंथने लग पड़ी। ये देखें मुझे तो इतनी शर्म आ रही है, बहुत शर्म आ रही है। किस बात की शर्म है? जो आपने दिलाई है वो। वैसे तेन कभी आई तो नहीं, तू किस तरह शर्म कर ली है? ना दिलाई है तो दिलानी चाहिए। हाँ ये देखें, आप ही वो सब्जी का नाम बता देंगे। दसांगे। पीछे कर लें। क्या पीछे कर लो? नहीं अच्छा, क्या नहीं अच्छा लग रहा? तुमसे यही हो कैसी पतला हो गया आटा। ऊपर तो कैमरा किया हुआ है, कैमरा किया हुआ है तो क्या करें, फिर दिखाते हैं ना जरा तुम्हें कितना को काम करना आता है। हाँ जी, इस टाइम पे आके जो है वो इसमें नमक मिर्च डालती हूँ, तो मैं लगी जनाब जी नमक मिर्च डालने, तो ये हल्दी जो थी वो ख़त्म हुई थी, और इस बात से जो है वो मुझे सख्त चीड़ है कि जब कोई काम करने लगे हूँ डब्बी में जो है वो पत्ती ख़त्म हुई हो चीनी या फिर नमक मिर्च, तो अभी मैं जो है वो इसमें डाल लूँ तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने ना सिस्टर से ये काम करवाना था, अब वो जो है आटा गूंद रही है तो वो अब मुझे करना मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं डाल लेती हूँ। हाँ जी, ये देखें अब मैंने ना हल्दी डाल ली है डब्बे में, अब जो है वो मैं सारी इसमें जो है वो नमक मिर्च जो है वो ऐड कर दूँगी, तो मेरी सब्ज़ी के हिसाब से मेरे 2 चम्मच जो हैं वो जाएंगे सुरख मिर्च के, तो 2 ही जाएंगे नमक के। मैं ना हम लोग ज़रा ना थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, फिक्के फिक्के सानू कोई नीचे चंगे लगते हैं आलू थोड़े। तो आ गई जी हल्दी मिर्च। हाँ जी, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसमें और अच्छी तरह जो है वो मिर्च को भून देंगे। फ्लेम मैंने मेरा हल्दी वाला डब्बा नीचे गिरने लगा था, पता तो नज़र लग गई, लगता है नवी नवी हल्दी भरी है बिच। हाँ जी जी, ये लें तो इसको थोड़ा सा मैं पका लूँ तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि इसमें नेक्स्ट टाइम जो है वो क्या करना है। हाँ जी, ये ना मेरा मसाला अच्छी तरह भून के जो है वो तैयार हो गया, अब मैं इसमें अपनी सब्जियाँ ऐड कर दूँगी। पहले मेरा ख्याल है आलू पा के ना थोड़ा जहाँ मैं भून लेनी है आलू पड़ो चौके मारिया मैं इनको जो है थोड़ा सा भून लेंगे, मुंगरे जो है ना वो जल्दी थोड़ा हो जाते हैं इसलिए उनको बाद में डालेंगे। मैंने ना अपने चैनल पे आलू मुंगरे की एक और रेसिपी शेयर की थी, तो वो शायद आपने देखी नहीं, अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके देखें, उसमें मैंने इतनी सिंपल रेसिपी मुंगरे की जो है वो शेयर की है, तो ज़्यादा तो मैं वैसे ही बनाती हूँ तो ज़रूर जाके देखें वो, क्योंकि तो मैं सारा कुछ बेच पा पू के ना उसे रख देता, तो बाद देखो ज़रा हांडी पिछली पक्की पी अज तो ज़रा मैंने होर कोई काम नहीं सी है, मैं क्या चलो आलू मुंगरे के साथ सलाद कर लें, थोड़ा दिल भी लगा लें, और आप लोगों से मैं बातें कर रही थी तो इस वजह से फिर मैंने ना ये थोड़ा कर लिया। ये इसको थोड़ा सा भूने तो फिर मैं दिखाती हूँ आप। हाँ जी, यहाँ जो है वो आलू मेरे जो है वो भुन रहे हैं, तो सिस्टर जो है वो बर्तन साफ कर रही है, सुबह नाश्ते वाले किचन देखें हमारा कितना बिखरा पड़ा है, तो अभी दिखाते हैं। ये देखें मेरी वीडियो ना बनाया करें, कैमरा बंद कर।
कैमरा बंद नहीं व्यूवर्स इसके ग्लव्स बस देख लें तो फिर मैं कैमरा बंद कर दूंगी। दिखाओ जरा दिखाओ दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। ये फट गया था, इसमें पानी जा रहा था, मैंने दोनों मिक्स कर देखें, इसने दो अलग अलग पहने हुए हैं दोनों के साथ। हमारा भी जरूर दिखाना है। हाँ दोनों के साथ का ना एक एक फटा हुआ है। हाँ जी तो ये जो है आलू हो गया, अब इसमें मूंगरे डाल देते हैं। कितना प्यारा कलर आ रहा है ना, सब्जियों का कलर बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा कलर ही अच्छे लगते जो इतना खान से तो मेरे को भी बच्चे तंग करते हैं खान लगे, मैं तो खैर खा ही लेनी है फिर भी। ये जो है ना मूंगरे जो हैं वो सिस्टर को बहुत पसंद है। ये सारे ये पका के ना तो सारे मैनू ही खवा देने जे। हाँ जी तो यहाँ पे आके जो है वो इसको फ्लेम लो कर दूंगी और इसको ना कवर कर दूंगी मैं। हाँ जी ये लें चम्मच जो है वो बाहर निकाल रही है तो इसको जो है वो फ्लेम को थोड़ा लो कर देती हूँ, तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको इसकी कंडीशन। तो हांडी चेक करती हूँ, ये 3 से 4 मिनट हुए हैं मैंने इसको ऐसे लो फ्लेम पे जो है वो ढाँप दिया था, ये ना ऑलमोस्ट पक गई है। 3 से 4 मिनट के लिए मैं दोबारा इसके ऊपर जो है वो दे दूँगी इसका ढक्कन इसको। तो 3-4 मिनट तक मेरी हांडी जो है वो डन हो जानी है। तो एक साइड पे जो है वो मैं रोटी बना लेती हूँ, जैसा कि मैंने बताया था मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया, मुझे लगी है भूख। तो आपने खानी है? हाँ मैंने भी नहीं कुछ खाया। अच्छा तो उसका कदम भी कुछ खादा होगा। अच्छा तो रोटी बना लेते हैं। हाँ जी तो मैं ना जल्दी से जो है वो खाना खा लेती हूँ, ये मेरा लंच और नाश्ता जो है ना वो इकट्ठा ही हो जाएगा। अब दोपहर को मैं कुछ नहीं खाना, दोपहर तो हो ही पड़ी है अब। हाँ जी यहाँ मैंने रोटियाँ बना ली हैं, मैंने ना अब बच्चों के लिए भी साथ ही बना ली हैं, वो भी आने वाले हैं स्कूल से, तो मैं इनको ना हॉट पॉट में रख दूँगी। तो यहाँ जो है हांडी हमारी वो चेक कर लेते हैं पकी है कि नहीं, ये देखें हांडी हमारी जो है वो पक गई है। इस टाइम पे आके पिसा हुआ जो है वो गरम मसाला 1 चम्मच हम शामिल कर देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके साथ। और साथ ही साथ जो है वो धनिया जो है वो ऐड कर देंगे इसके साथ, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और लुक भी बहुत प्यारी आ जाती है हांडी की। तो जैसे मैंने धनिया डाला है हांडी में तो मुझे और भूख लग गई है। तो मैं अपनी भूख की सुना सुना सारे बहुत अच्छी लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी है, मुझे तो खुद भी इतनी भूख लग रही है। चले आप भी, तुमने इसके बाद चाय बनानी है? मैंने नहीं करना। हमारी ना इस बार में इस बात पे लड़ाई हो जाती है। खाना तो स्कून से खा लेने दे। हाँ जी चलो बताओ खा के कैसा बना। हाँ जी बहुत अच्छा है, हाँ तेरा बहुत अच्छा है, मुझे भूख भी बहुत लगी हुई है, बंद कर दे और मुझे खाने दे। अच्छा जी आप भी ट्राई करें खाएं, सब्जियां वैसे ही सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। अल्लाह हाफिज़।